सब्सक्राइब करें दी नेशनल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज मैं आपको मेल तीतर के मेल और फीमेल के चिक्स के जो डिफरेंस होते हैं वो आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उसके डिफरेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ये जो मेरे हाथ में है ये अभी चेक कर सकते हैं, ये फीमेल है। इसकी पहचान ये है कि इसके जो सर होता है ये मुस्ततील टाइप होता है, थोड़ा लंबा होता है। चेक करें। इसके बाद मैं आपको मेल चेक कराऊंगा, ये अभी फीमेल है और जो फीमेल होती है उसके जो कील होते हैं वो कम होते हैं, मतलब नज़र ही नहीं आते, इतने कम होते हैं। देखें ये बिल्कुल ही कम है। जो मेल होता है उसके थोड़े बड़े होते हैं। ये चेक करें, ये तकरीबन 2.5 से 3 माह की ये पट्टी है। ये देखें, ये देखें, ये जब भी आप लेने जाएं तो 2.5 से 3 माह से कम ना लें, क्योंकि मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होता इनका। ये एक्सपीरियंस बंदा ही आपको बता सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो चलें देखते हैं इसका मेल, आपको अभी दिखाते हैं जी। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट से चिक्स ख़रीदे कैसे जाते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि ये एक्टिव हो, मतलब ये आंखें वगैरह बंद ना कर रहा हो। ये देखें, इसने अपनी गर्दन भी नीचे नहीं झुकाई हुई, मतलब ये ठीक है। आगे से चेक करें, ये देखें इसकी चोंच वगैरह भी चेक कर लें, ये चोंच जो है ये सीधी होनी चाहिए। ये देखें, ये जो बाज़ औक़ात बीमार होते हैं उनकी चोंच कभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, कभी इस तरह टेढ़ी होती है, ये देखें इस तरह होती है, तो कभी इस तरह होती है, ये इधर, मतलब सीधी नहीं होती। तो और जो चीज़ है वो आपने देखनी है कि ये इसकी जो आइज़ है ना, ये आइज़ सही होनी चाहिए, मतलब पूरी खोले आइज़। ये देखें, ये तो अभी डर रहा है थोड़ा सा, इसलिए बंद कर रहा है। ये देखें 1 मिनट, ये देखें अभी पूरी खोली हुई है, क्योंकि कैमरा क्लोज़ करते हैं तो वो आइज़ बंद कर जाता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आइज़ में बाज़ औक़ात हम जब चिक्स खरीदते हैं तो उनके आँखों में पीप वगैरह होती है, मतलब आँखें ख़राब होती हैं, तो बंद कर रहा होता है या उसको कुछ ऐसा हुआ होता है या बीमारी आई होती है जिसकी वजह से ये आइज़ जो है ये बंद कर रहा होता है, और पीप भी होती है। ये इलाज से ठीक तो हो जाते हैं लेकिन इसके 50-50 चांसेस होते हैं। और एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, जब मार्केट से आप ख़रीदने जाएं तो इसके पर देखें, ये नीचे लटके होते हैं। ये अभी इसके पर ठीक हैं, अभी इसको सीधा खड़ा करेंगे तो ये पर इसके सही सही होंगे, मतलब लटके हुए नहीं होंगे। एक और चीज़ आपने देखनी है, ये जो नीचे वाली हड्डी है ये इस पे गोश्त होना चाहिए, ये हड्डी निकली हुई ना हो। ये चेक करें, ये देखें, ये इस पे गोश्त है, ये देखें, ये देखें। और दूसरा इसका वज़न वगैरह भी चेक कर लेना है, क्योंकि ये 3 महीने का है, इसका वज़न सही है। और जो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप इसे हाथ में पकड़ें तो ये हरकत कर रहा हो, मतलब ये लेज़ी लेज़ी ना हो, जिस तरह बीमार होते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आया है कि जो चिक्स ख़रीदने के लिए जाते हैं हम, वो काफ़ी बीमार होते हैं। उस टाइम तो उनको वक्ती तौर पे ठीक किया होता है धूप वगैरह में रख के, लेकिन वो लेज़ी होते हैं, इस तरह लेज़ी होते हैं कि हरकत कम करते हैं। आपने ये देखना है कि ये फुल हरकत कर रहे हो, तभी आपने ख़रीदना है। ये जो एक और चीज़ जो है आपने ख्याल में रखनी है कि ये जो इसके पंजे हैं, ये इसके नाखून चेक करें, 1 मिनट फोकस नहीं कर पा रहा, ये फोकस हो गया, ये नाखून चेक करें, ये इसके नाखून पूरे हैं, और ये पाँव भी इसका सीधा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब नए चेक्स निकलते हैं तो उनके होते हैं ये टेढ़े होते हैं, ये देखें ये इसके। और ये एक और चीज़ आपने देखनी है कि इसकी जो टांग है इसको सही से चेक कर लेना है कि टेढ़ी या टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप इसको बाहर निकाल के नहीं देख सकते।
ये देखें, ये इसकी टांग जो है ये पूरी है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह करके देख लें, ये जो टांग होती है ये देखें, ये सीधी होगी, फोकस नहीं कर पा रहा, ये फोकस हो गया। ये देखें, ये टांग सीधी है, देखें ये सीधी है, जोड़ है। ये देखें, इसका जोड़ भी सही है, ये देखें। दूसरी टांग भी इसी तरह चेक करें, ये देखें दूसरी टांग, ये देखें, ये बाल होते हैं, थोड़े थोड़े बाल हटा के चेक कर लें आप तो बेहतर होगा। ये देखें, ये इसके नाखून भी पूरे हैं, और उंगलियां भी चेक कर लें, क्योंकि जो नर होता है वो उसकी उंगलियां सीधी होनी चाहिए, के बाद में क्रॉसिंग का मसला होता है। जो इसके साथ मादी लगती है वो अंडे तो दे देती है लेकिन बच्चे नहीं निकलते उसमें से। ये देखें जी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों, मैंने अभी आपको फ़ीमेल का डिफरेंस बताया था, फ़ीमेल के बारे में बताया था, अब मैं आपको मेल का बताऊँगा। मेल जो है, इसका जो सर है ये गोल होता है, ये चेक करें, ये देखें, ये फोकस हो रहा है, ये देखें, ये गोल है। और जो फीमेल है उसका चेक करें, उसका जो है ये थोड़ा लंबा है, ये देखें, ये इस साइड से देखें, ये मुस्ततील हो जाता है। जो दूसरा उसका मेल का होता है वो गोल होता है और काफ़ी हेल्थी नज़र आता है वो मेल। देखें, ये देखें, इसका सर मोटा भी है थोड़ा, ये देखें। और जो मेल होता है ये थोड़ा गुसीला होता है, देखें, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा ये। इसका एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ये देखें, ये जो इसके कील हैं ये देखें, ये तकरीबन ये 2.5 महीने का है बच्चा जो चिक से इसका, और ये जो कील हैं ये मेरे ख्याल में 2 मिली तक हैं। ये देखें, ये फोकस हो गया, ये देखें 2 मिली, देखें, ये देखें। और जो फीमेल होती है उसका नज़र तो आएगा कि कील हैं, ये देखें, नज़र तो आएगा कि कील हैं, लेकिन ये बहुत ही कम छोटे होते हैं। देखें, ये बिल्कुल नज़र तो आते हैं कि कील हैं, लेकिन ये देखें महसूस हो रहे हैं कील हैं, लेकिन जब हाथ लगाएंगे तो नहीं, इतना नहीं होगा। देखें, ये तकरीबन बहुत छोटे हैं, और ये देखें, इसका महसूस हो रहा है, चुभ रहे हैं ये इसके कील, ये देखें, ये मेल है। ये जो बाज़ औक़ात जो फीमेल होती है उसके भी कील निकल आते हैं कभी कभी, लेकिन वो जो है 4 से 5 माह के बाद होते हैं। जो मेल होता है इसके 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर कील निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब इसकी पहचान शुरू हो जाती है कि ये मेल है। जी तो दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।